ओके स्टूडेंट, तो अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का सिंपल हार्मोनिक मोशन में. ओके, पहले डिस्प्लेसमेंट का देख लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आपका होता है वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जहाँ पर ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/T. 2π क्या होता है, पूरा वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो एंगल रन किया जाता है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और टाइम क्या है, टाइम पीरियड. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड हो जाता है एंगुलर वेलोसिटी. ओके, तो 2π/T हमने रख दिया स्मॉल टी, तो आपके पास एक इक्वेशन मिल गया. अब हम स्मॉल टी की अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे. पहले 0 सेकंड पे निकालेंगे, तो 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 आ जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा. टी बाई फोर पे जब हम वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे कैपिटल T/4, तो टी और टी कैंसिल आउट, 2 से 4 कट कैंसिल होगा, तो π/2 आ जाएगा, यानी 90 डिग्री आ जाएगा. तो 90 डिग्री पे क्या होगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो वाई आ जाएगा ए. टी हाफ रखेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0, तो वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा. 3T/4 रखेंगे तो 270 आ जाएगा, जिसपे साइन की वैल्यू -1 होती है, तो -A आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से चेंज होता चलेगा, 0 A, फिर 0, फिर -A, फिर 0, फिर A आएगा, फिर 0 आएगा, फिर -A, इस तरह से टर्न होता चलेगा. ग्राफ आप इस तरह देख सकते हैं, एनालॉग ग्राफ बनेगा. पहले 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे 0 था. t इक्वल टू T/4, इधर हमने t को रिप्रेजेंट किया है इस डायरेक्शन में. ठीक है, x एक्सिस के अलॉन्ग और y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है. 0 सेकंड पे, T/4 पे, T/2 पे, 3T/4 और t पे. तो पहले 0 पे कितना है डिस्प्लेसमेंट, 0 है, और T/4 पे a आ गया है, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे, मैक्सिमम हाइट पे. T/2 पे फिर 0 आ गया है ग्राफ. T/3, T/4 पे अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम गया है -A, और फिर t इक्वल टू जब वन कंप्लीट रोटेशन होता है, तो y 0 आ गया. तो ये ग्राफ बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए. सेकेंड है वेलोसिटी के लिए. वेलोसिटी हमने निकाली तो आया ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, यानी पहले यहाँ देखते हैं डिस्प्लेसमेंट का, हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आ जाता है. तो डिस्प्लेसमेंट हमें कितना दिया है, ए साइन ओमेगा टी. ए बाहर करेंगे, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होगा. साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन से ओमेगा बाहर आ जाता है, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ जाएगा. ओके, तो अब यहाँ से ए ओमेगा कॉस को हम चेंज करेंगे 90 में, तो साइन 90 प्लस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा. साइन 90 यानी π/2 प्लस थीटा यानी ओमेगा टी. हमने वैल्यू रखनी है, π/2 यहाँ किया मैंने, ओमेगा की वैल्यू 2π/t और स्मॉल टी, ये वैल्यू आई है. अब यहाँ हम वैल्यू रखते जाएंगे, वही टाइम लेंगे, 0, T/4, T/2, 3, T/4 और T. तो 0 पे जब हम 0 वैल्यू रखते हैं, तो साइन π/2 आ जाता है, जिसकी वैल्यू 1 होती है, बचेगा कितना, ए ओमेगा. T/4 जब हम यहाँ पे रखते हैं, तो π/2 आ जाता है, π/2 + π/2 180 आ जाता है, साइन 180 की वैल्यू 0 हो गई, तो पूरी वैल्यू वेलोसिटी 0 हो जाती है. अब फिर हम T/2 लेते हैं. अगर हम यहाँ T/2 रखेंगे, तो टी और टी कैंसिल आउट, 2 और 2 कैंसिल आउट, पाई आ जाएगा. पाई यानी 180 प्लस 90, 270 आ गया. साइन 270 की वैल्यू -1 होती है, तो -ओमेगा आ जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद अगर 3T/4 रखते हैं, यानी 270 रखते हैं, तो 270 प्लस π/2 कितना आ गया, 360. 360 पे वैल्यू 0 हो जाती है, साइन 0, पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो ए ओमेगा से 0 में मल्टीप्लाई 0 आ गया. तो इस तरह से चेंज होता चलेगा और आपका ये ग्राफ बनेगा. ठीक इसी तरह से हमने एक्सीलरेशन का ग्राफ बनाया. पहले एक्सीलरेशन फाइंड आउट करेंगे. ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी है, इसका फिर से डिफ्रेंशिएट किया जाएगा वेलोसिटी का. ए ओमेगा बाहर, कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी से एक ओमेगा डिफ्रेंशिएशन में और आएगा, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी. तो ए ओमेगा स्क्वायर बाहर, माइनस इसके साथ गया. ठीक है, या फिर माइनस को अगर हटाएं, तो साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा. तो ये हमने वैल्यू निकाल ली, ओमेगा की वैल्यू 2π/t, स्मॉल टी रखा है और पाई रखा हुआ है. अब फिर से हम वही वैल्यूज रखेंगे और कैलकुलेट करते हैं. जब हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 0 माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, 0 ए ओमेगा स्क्वायर, फिर 0, फिर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से. तो ग्राफ हमारा इस तरह से बनता चलेगा. ओके, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम पार्टिकल की एनर्जी निकालेंगे कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी. वो एनर्जी दो पार्ट में आपकी होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी.
तो स्टार्ट करते हैं। SHM में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आप जानते हैं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसका एक बार अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी आ जाती है। तो यहाँ मैंने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है a साइन ओमेगा टी को, a बाहर करेंगे, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस ओमेगा टी, और फिर इंक्लूडेड फंक्शन ओमेगा टी है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ओमेगा बाहर टी का 1, यानी ओमेगा भी आ जाएगा, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ गया। ठीक है, इसी तरह से अल्फा निकालते हैं तो अब जो वेलोसिटी आ जाती है हमारे पास, इसका डिफरेंशिएशन करना होता है एक बार और, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ए ओमेगा बाहर कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा। ए ओमेगा बाहर हो गया, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा आ जाएगा, टी का 1 हो जाता है। तो यहाँ से हमने ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर अलग किया, ए साइन ओमेगा टी इकट्ठा किया। क्यों? क्योंकि ए साइन ओमेगा टी की वैल्यू वाई है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और ए साइन ओमेगा टी की वैल्यू वाई पुट कर देंगे, ये एक्सीलरेशन आ गया। वेलोसिटी जो आई थी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई थी। आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा वहाँ से क्या आता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा की जगह पे ओमेगा टी है, तो कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ से साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकालें तो वाई अपॉन ए आ जाएगा, हमने वाई अपॉन ए रखा, स्क्वायर लगा था दोनों पे अलग अलग स्क्वायर हुआ, डिनोमिनेटर इक्वल किया तो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर आया तो स्क्वायर से रूट कट गया, यानी कितना आया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल अपॉन ए, ये कॉस ओमेगा टी की वैल्यू आई। हमने यही वैल्यू पुट कर दी, ए और ए कैंसिल हो गया, वेलोसिटी आ गई। जब वेलोसिटी आ गई तो काइनेटिक एनर्जी निकाल ली हाफ एम वी स्क्वायर वैल्यू रख करके, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, दोनों को हमने अलग अलग कर लिया है। जो हमारे पास अल्फा आया था, एक्सीलरेशन आया था, वो एक्सीलरेशन की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स जो पार्टिकल पर लगेगा उसको हमने निकाल लिया। रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है इसलिए माइनस में लिया गया है। एक्चुअली आपका अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में हो गया नेगेटिव में, तो ये माइनस में आएगा ही। देयरफॉर इफ पार्टिकल अंडरगोज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल कर रहा है, मान लीजिए पार्टिकल बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो वर्क डन होगा, वो वर्क डन स्मॉल होगा, तो स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा, जो ये फोर्स आया है रिस्टोरिंग, इसके अपोजिट जो फोर्स लगाना होगा, यानी माइनस एफ इंटू डी वाई। तो एफ की वैल्यू नेगेटिव आई थी, माइनस एफ की वैल्यू फिर पॉजिटिव आ जाएगी इंटू डी वाई। स्मॉल वर्क डन हमने निकाल लिया, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे जीरो से वाई के रेंज में, डेफिनेट इंटीग्रेशन, यानी इस पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू आपका यानी वर्क डन, टोटल वर्क डन आ जाएगा। एम ओमेगा स्क्वायर बाहर किया हमने, वाई डी वाई, वाई का इंटीग्रेशन कितना आता है, पावर में 1 है, तो इंटीग्रेशन में पावर में 1 ऐड कर देते हैं, 2 हो जाएगा, और वही डिजिट नीचे लिख देते हैं। रेंज हमने लगा दी 0 से वाई, एक बार अपर लिमिट रखेंगे और एक बार लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 0 है तो रखें या ना रखें वैल्यू, अपर लिमिट रखेंगे तो वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, यानी 1 बाई 2 एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रखी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों से कैंसिल आउट हो गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई एनर्जी की। ओके अब SHM में टाइम पीरियड निकाल लेते हैं सिंपल पेंडुलम का। मान लीजिए कि एक सिंपल पेंडुलम आपके पास है और उसके थ्रेड की लेंथ है L, वो मोशन कर रहा है टू एंड फ्रो मोशन। किसी भी समय यानी एट एनी इंस्टेंट जो बॉब है आपका, जिसका मास M है, वो पोजीशन A पर है, मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन O हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x, यानी x डिस्प्लेसमेंट पे है। इस कंडीशन में होगा क्या कि थ्रेड में टेंशन लगेगा और टेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जो कि mg cos थीटा होगा। अब थीटा क्या है, उस इंस्टेंट पे मीन पोजीशन से थ्रेड जितने एंगल पे होगा वही एंगल यहाँ बनेगा, अल्टरनेट एंगल बन रहा है, तो mg cos थीटा इस पार्ट में रिजॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि वेट आपका डायरेक्टली डाउनवर्ड है, तो थीटा जिस साइड से बनाते हैं वो बेस हो जाता है, बेस के डायरेक्शन में mg cos थीटा हुआ और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mg sin थीटा। सी दैट हियर, mg sin थीटा मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा ऑब्जेक्ट को, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के अलॉन्ग लगेगा, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है। mg sin थीटा आपका क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है, तो रिस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव में, f इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा।
अब अगर बहुत ये एंगल जो आपका है थीटा, ये बहुत स्मॉल एंगल हो जाए तो साइन थीटा आपका थीटा के बराबर हो जाता है। थीटा के बराबर यानी टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्राइंगल से आप देखेंगे अगर थीटा ले रहे हैं तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा की वैल्यू आपकी क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर एक्स, हाइपोटेन्यूस एल। तो एक्स अपॉन एल यहाँ हम वैल्यू रख देंगे, माइनस एम जी एक्स अपॉन एल आ गया फर्स्ट इक्वेशन। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन यू नो दैट कि एफ इज इक्वल टू एम अल्फा, एम ए होता है, लेकिन यहाँ क्या है, कर्व मोशन है यानी सर्कुलर मोशन है, तो उसके लिए एक्सीलरेशन क्या होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन लगेगा, तो ए की जगह अल्फा ले लिया जाता है। ठीक है, तो अब ये दोनों ही फोर्स हैं, दोनों को इक्वल कर देंगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाती है, कितना आया, माइनस जी अपॉन एल इंटू एक्स। सी दैट हियर जी कॉन्स्टेंट, लेंथ भी कॉन्स्टेंट रहेगी, मीन्स अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया माइनस एक्स के, यानी डायरेक्शन अपोजिट रहेगा अल्फा का, लेकिन जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा अल्फा बढ़ेगा, यानी मोशन आपका क्या होगा, एस एच एम होगा। अब हमें टाइम पीरियड निकालना है तो थर्ड इक्वेशन लेके चलेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या आया है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन एल इंटू एक्स। तो थर्ड इक्वेशन आपका आया है, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन एल इंटू एक्स। बट यू नो दैट या वी नो दैट कि अल्फा क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट वाई है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट एक्स ले रहे हैं तो अल्फा हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एस एच एम में। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू अगर हम ये रख देते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, एक्स एक्स कैंसिल आउट, ओमेगा की वैल्यू टू पाई अपॉन टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन एल। टाइम पीरियड निकालना है तो इसको रिवर्स कर देंगे, पलट देंगे, टी अपॉन टू पाई होल स्क्वायर ये पलट जाएगा, एल अपॉन जी स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट बढ़ेगा, टू पाई को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम की कितनी आ जाएगी, टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।